अच्छा। महात्मा गांधी जी ठीक कहते हैं। वेजिटेरियन खाना ढूंढ रहा था तो मुझे यहाँ पे दिख गया है वेजिटेरियन। नाम है कौशिक ओझा। राजस्थान में कहाँ से हो आप? नियर माउंट आबू। आज मैं हूँ ह्यूस्टन टेक्सास में और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लिटिल इंडिया इन टेक्सास। अमेरिका की बड़ी बड़ी सिटियों में से एक ये है ह्यूस्टन, और ह्यूस्टन जो है वो टेक्सास की जान है। और जो ह्यूस्टन है ना, ये फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रहना काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं जो कि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और उन्होंने यहाँ पर एक अपना लिटिल इंडिया बना लिया है। और आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि ये जो एरिया है ना, ये महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे एक स्टोर दिख रहा है, इस स्टोर का नाम है नमस्ते। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोर लग रहा है मुझे, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है। मेरा नाम है कौशिक ओझा। राजस्थान में कहाँ से हो आप? नियर माउंट आबू। नियर माउंट आबू, अच्छा। बिटवीन माउंट आबू एंड उदयपुर, राइट इन द सेंटर, छोटा सा गांव। और आप कब आए थे यहाँ पे अमेरिका के अंदर? मैं आया था 93 में। 93, वाओ, इट्स लॉन्ग टाइम। ये पहले हिलक्रॉफ्ट ही बोला जाता था। अच्छा, हिलक्रॉफ्ट। हिलक्रॉफ्ट एरिया, दिस इज हिलक्रॉफ्ट स्ट्रीट। ओके। अबाउट 7-8 इयर्स अगो All the business owners got together and they named it Gandhi District. तो यहाँ मुझे कौशिक जी ने बताया है, ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है, और जैसा अभी आप लोग सामने देख रहे हैं, और ये यहाँ पे जितनी ज़्यादातर शॉप्स हैं वो इंडियंस ओन करते हैं। तो ऐसे ही एक बार काफ़ी सारे इंडियन जो शॉप ओनर हैं वो गेट टुगेदर हुए, और उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि हम लोग मतलब महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट इधर का अगर हम लोग नाम रखते हैं तो ऐसे ज़्यादातर जो इंडियंस होंगे अमेरिका के अंदर, तो उन लोगों को इस एरिए का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है जो ये यहाँ पे शॉप्स वगैरह चला रही हैं। अगर किसी की शादी है तो उसको इंडिया जाके सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही सब कुछ मिल जाएगा, है ना। इतने कपड़ों की दुकान है, इतनी ज्वेलरी की, ये गोल्ड रियल गोल्ड ज्वेलरी की है। फिर मेरे जैसी ये एक ही दुकान है। ग्रोसरी स्टोर में थोड़ी बहुत मूर्तियां वगैरह रखते हैं, बट ओनली हैंडीक्राफ्ट इज ओनली माई शॉप। तो मुझे मतलब अंदर आके मतलब एक जो इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि थैंक यू ये मतलब किसी ने, तभी मैं आपसे पूछ रहा था। मेरे पास बहुत से ऐसे कस्टमर आते हैं जो बूढ़े होते हैं ना, वो बाहर जूते निकाल के अंदर आते हैं। ये तो हम मंदिर में आ रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए, और एक और मुझे प्लाजा दिखा है जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, और मैं वेजिटेरियन खाना ढूंढ रहा था तो मुझे यहाँ पे दिख गया है वेजिटेरियन। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे मंगाया है गार्लिक नान, प्लेन नान, और आइस टी लिए हम लोगों ने साथ में, और मंगाया है बटर पनीर मसाला। तो अभी हम लोगों का लंच है जो वो हो गया है कंप्लीट। खाना वाकई में बहुत अच्छा था, स्पेशली मुझे पर्सनली जो गार्लिक नान था बहुत ही अच्छा लगा, और रीजनेबल प्राइस थे, ये भी नहीं था कोई बहुत ज़्यादा प्राइस हो। और मुझे यहाँ पे एक स्वीट शॉप दिखी है, मिठाई की दुकान, तो मैं सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा मिठाई की दुकान भी दिखा दी जाए और मिठाई भी कुछ ना कुछ ट्राई कर ली जाए यहाँ पे। तो जलेबी कितनी चाहिए? जलेबी दे दो, 100 ग्राम दे दो, और एक समोसा दे देना। तो यहाँ पे है बहुत सारे मेरे को स्वीट अलग अलग देखने को मिली है। अभी फिलहाल मेरे को देखने को मिली है यहाँ पे फ्रेश जलेबी, तो बहुत दिन हो गए थे मैंने जलेबी नहीं खाई थी। दिल्ली वाली है शॉप? पंजाब वाली। अच्छा, दिल्ली में राजा स्वीट बहुत ज्यादा फेमस है द्वारका में। हाँ, तभी भी मैं जहाँ से जा रहा था तब मेरे को दिखी, मैं ये तो वही दिल्ली वाली शॉप लग रही है। दिल्ली में भी है राजा स्वीट। और आप हैं ना वो सारे इंडियन रेस्टोरेंट से, साड़ियों से, ड्रेस जैसे के वो चीजों से ये भरा हुआ पूरा। अच्छा, महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो अभी ले लिया है खाना यहाँ से और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि भैया राजा स्वीट कैसा है। दिल्ली में भी एक द्वारका है एयरपोर्ट के पास, तो वहाँ पे भी राजा स्वीट था, उसके समोसे बहुत फेमस थे इसलिए समोसे ले लिए। तो इसके अंदर मैंने पैक कराई हुई है जलेबी, तो ये देखो यार क्या जलेबी है, मजा आ गया जलेबी देख के। जलेबी की पहली बाइट लेते हैं और खुशियां मनाते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली का टाइम है मेरे लिए। ओहो भैया, अभी तो मुझे बस जलेबी और मेरे को अकेला छोड़ दो, और कोई नहीं चाहिए भैया। ये जलेबी भाई मस्त
फ्रेश जलेबी खाने को भैया बहुत कम मिलती है अमेरिका के अंदर। तो ये थी वीडियो लिटिल इंडिया की टैक्सेस में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट करके बताओ कि और किस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो चलो इस वीडियो में इतना था दोस्तों। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।